हम एपोमिक्सिस पढ़ चुके थे। एपोमिक्सिस एस्ट्रियसिस ग्रासिस की स्पीसीज में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन जाते हैं, है ना, पढ़ चुके थे। तभी ये मिमिक किसकी कह रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चलिए इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस देखिए क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एपोमिक्टिक जीन इन अ हाइब्रिड प्लांट प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड हेंस रिटेन द कैरेक्टर फॉर मेनी जनरेशन। क्या होता है क्लास, किसी भी प्लांट में अगर एपोमिक्टिक जीन आ गया, किसी भी प्लांट में अगर एपोमिक्टिक जीन आ जाता है आपका, तो वो क्या होता है, गैमिट अलग अलग, जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो उनमें कुछ अलग अलग सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। वो क्यों नहीं सेग्रीगेट हो जाते, क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें मियोसिस नहीं होता है क्लास, एब्सेंस ऑफ मियोसिस तभी लिखा है। तो जो कैरेक्टर होते हैं वो कई जनरेशन तक कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, कोई वेरिएशन उन कैरेक्टर में नहीं होता है क्लास। तभी आपके यहाँ लिखा है एब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड हेंस रिटेन द कैरेक्टर ऑफ द सेम मेनी जनरेशन, मतलब उनके कैरेक्टर्स काफ़ी जनरेशन तक सेम रहते हैं एपोमिक्टिक जीन के। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे एपोमिक्टिक जीन में मियोसिस रुक जाता है, ठीक है, तभी यहाँ लिखा है स्टॉप मियोसिस, तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उनकी जनरेशन जो आती है वो सिमिलर होती है, सेम होती है क्लास। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंस।